उसी दिन पद पर रहते हुए बोला था कि हमारी गलती भी है, मुझे चुप करा दिया गया और मैं समझा शायद ये जांच करेंगे इसलिए मैं चुप हो गया, वरना मैं बोलता। और उसके तीसरे दिन, ये जिस दिन हुआ है पुलवामा, उसके तीसरे दिन प्रधानमंत्री, हाँ सेम डे, वो एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। एसपीएन 9 न्यूज पर सत्यपाल मलिक का बड़ा खुलासा। सत्यपाल मलिक ने खोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गहरे राज। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जी हाँ, ये बातें इसलिए हो रही हैं और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एसपीएन 9 न्यूज पर सत्यपाल मलिक का एक खास इंटरव्यू सामने आया है जिसमें सत्यपाल मलिक कई खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये दावा करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से वो अपनी सरकार बनाते हुए नजर आएंगे, फिर से देश पे राज करते हुए नजर आएंगे, उन्हीं का खुलासा यहाँ पर सत्यपाल मलिक के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतने आरोप लगे हैं जिसके तहत अब उनकी जांच होकर रहेगी और जांच के तहत यहाँ पर कई खुलासे होंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस पद से भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं, अब वो 56 इंच का सीना नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर तमाम मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर उनके मुखिया नरेंद्र मोदी यहाँ पर कई सवालों में घिरे हुए हैं। पहला सवाल यहाँ पर गौतम अडानी को लेकर आता है। गौतम अडानी के तहत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जांच की भी बात होती है, यहाँ पर जेपीसी जांच की मांग की बात होती है, विपक्ष ये मुद्दा उठाता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर पुलवामा हमले को लेकर भी प्रधानमंत्री पर सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं। हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत पर वो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरासर यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच की बात जो शहीद के परिवार करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि पुलवामा हमले पर फिर से जांच होनी चाहिए और ये जांच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाती है और इस जांच का मुद्दा अब सीधे तौर पर सत्यपाल मलिक उठाते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुलवामा हमले में की गई ये हरकतों को लेकर कई खुलासे करते हैं। सत्यपाल मलिक के खुलासे से साबित हो जाता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जानबूझकर देश में झूठ फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। अब ऐसे में उनकी कुर्सी खतरे में आने वाली है। क्या कुछ उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गहरे राज खोले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलवामा का ताल्लुक है, मैंने उसी दिन कहा था, जो लोग कहते हैं बाद में क्यों बोले, उसी दिन पद पर रहते हुए बोला था कि हमारी गलती हुई है, मुझे चुप करा दिया गया और मैं समझा शायद ये जांच करेंगे इसलिए मैं चुप हो गया, वरना मैं बोलता। और उसके तीसरे दिन, ये जिस दिन हुआ है पुलवामा, उसके तीसरे दिन प्रधानमंत्री, हाँ सेम डे, वो एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे। सर, आपको लगता नहीं है लगभग 4.5 दशक आप सत्ता में रहे, एक इतना लंबा सियासी सफ़र और हासिल ये कि एक समाज कारण के मुद्दों को उठाने वाले नेता को यूं हाशिए पर धकेल देना। हमने नेहरू का भी दौर देखा, वाजपेयी साहब का भी दौर देखा। नेहरू जी ने भी अपने से कमतर लोगों को, जो पार्टी और नंबर्स में कम थे, उनको आगे रखा। वाजपेयी साहब ने भी बड़ा दिल दिखा के सबको सुना, सबको कहा। राजनीतिक पार्टियां जो लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, किस ओर बढ़ रही हैं सर? अब ये डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही हैं, वन मैन पार्टी की तरफ बढ़ रही हैं। मुझे तो लगता है कि अगर 24 में हम लोग तब्दीली नहीं कर पाए तो फिर कोई चुनाव ही नहीं होगा देश में। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं नहीं तो विकल्प कौन? विकल्प जनता चुनती है, कोई तय नहीं करता है। जो लोग MP चुन के आएंगे उनमें से 1977 में कौन विकल्प था? कोई तय हुआ था पहले से, बाद में चुन लिया। नहीं सर, आप 1977 का जिक्र करते हैं, उस समय प्रणेता के रूप में JP थे, मोरारजी देसाई थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। सर, एक दूसरे को जोड़ पाए, जोड़ सकते थे, अब भी जोड़ सकते हैं, हम ही जोड़ देंगे। और छोड़िए आप औरों की बात, सबको जोड़ेंगे। मेरी सबसे बात हुई है, सब तैयार हो गए हैं 1-on-1 लड़ाने में।
कल को सर हमें एक 2024 में एक व्यापक चित्र देखने को मिल सकता है कि मलिक साहब पूरे विपक्ष के सूत्रधार बनकर दर दर जाऊंगा, सबके यहाँ जाऊंगा, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करनी, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन मैं सबकी खुशामद दरामद करके इनको इकट्ठा करूंगा। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा, बजरंग दल से बजरंग बली बन के आया, कर्नाटक में आपको लगता है कि लोगों ने ये बता दिया या ये संदेश दे दिया कि आप धर्म की बात मत कीजिए, नहीं तो हम युग धर्म और राजधर्म आपको बता दें? वो तो सही है, जो मैसेज है वो चला गया है। और देखिए आप, दिल्ली से 3 ट्रक फूल गए थे जो बरसाए गए थे प्राइम मिनिस्टर पे, जो प्राइम मिनिस्टर का अहंकार था कि मैं जाऊंगा और दुनिया को बदल दूंगा, वो धरा का धरा रह गया। एक सर, राजनीतिक पार्टियां मैं वापस से आना चाहूँगा। आपका जब दौर था, चौधरी चरण सिंह का दौर, वीपी सिंह, मुरारजी देसाई या जेपी, वहाँ पर सर पार्टी के भीतर चर्चा होती थी, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें जो हमें व्यापक चित्र दिखता है, राहुल गांधी, कांग्रेस में अगर देखा जाए तो एक गांधी परिवार है, आप में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल है, तेलंगाना में केसीआर में देखा जाए तो केसीआर हैं, के चंद्रशेखर राव हैं बीआरएस पार्टी के, और अगर बीजेपी में आ जाए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी दिखती है। तो क्या सर राजनीति के लिए या अमृतकाल में लोकतंत्र के लिए ये खतरा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां व्यक्ति केंद्रित होती जा रही हैं? वो तो है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ रहा है लोगों के, वो पार्टियों में अंदर बहस होने लगी है। यहाँ सिर्फ आप पुलवामा हमले का मामला मत देखिए, पुलवामा हमले के साथ साथ देश की बेटियों की सुरक्षा को भी देखिए, जो यहाँ पर तार तार होती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर उनकी इज्जत को ऐसे नीलाम करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं, क्योंकि अपने सांसद को बचाने के लिए, अपने सांसद ब्रजभूषण को बचाने के लिए सरकार ने चुप्पी साधी है, और सरकार ने चुप्पी साधते हुए ब्रजभूषण पर कोई एक्शन नहीं लिया है। महिला पहलवान खिलाड़ी यहां पर धरने पर बैठी हुई है, 35 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन ब्रजभूषण को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके बाद सत्यपाल मलिक भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि यहां पर सरासर महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ गलत हो रहा है, और ये गलत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि अपना फायदा साधने के लिए उन्होंने यहां पर ब्रजभूषण का सहारा लिया, और ब्रजभूषण को बचाने के लिए महिला पहलवान खिलाड़ियों को ही गलत ठहरा दिया, कभी देशद्रोही तक बोल दिया जाता है, कभी उनके मेडल को यहाँ पर 15-15 रुपए के बता दिए जाते हैं, तो कभी राजनीतिक मंच बता दिया जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि सत्यपाल मलिक के इस खुलासे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बेनकाब होते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ सत्यपाल मलिक ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, कोई संसद आकांक्षाएं पूरी नहीं करती, आकांक्षाएं जो संसद में बैठते हैं उनका व्यवहार और आचरण करता है। मोदी जी का आचरण अगर ऐसा होगा कि नई आकांक्षाओं हुआ तो ये कि जब वो उद्घाटन कर रहे थे तभी बाहर 1 किलोमीटर दूर हमारी लड़कियां जो मेडल गोल्ड मेडलिस्ट और पद्मश्री हैं वो पुलिस के हाथों घसीटी जा रही थी। तो डिपेंड करेगा जो उसमें बैठेंगे उनका आचरण कैसा है। इस संसद में अब परिसीमन के बाद नए सदस्य आएंगे, राज्यसभा में भी आएंगे, लोकसभा में भी आएंगे, लेकिन मौजूदा संसदीय व्यवस्था पर अगर हम बात करें, अमृतकाल खंड चल रहा है, 25 साल बाद हम 100 वर्ष अपनी आज़ादी के पूरे कर लेंगे। अभी लगभग सर 30-45% राजनेता जो संसद के भीतर हैं वो किसी न किसी आपराधिक आचरण में संलिप्त हैं। तो जिस तरीके से आपराधिकरण ने देश की राजनीति को घेरा है, इसको कैसे दूर करना चाहिए इस अमृतकाल में, ये एक संदेश। इसको सख्ती के साथ करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को डिसाइड करना चाहिए, हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। अभी आप ब्रजभूषण शरण सिंह का केस देखिए, सब कुछ जानते हुए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ और पहलवानों के खिलाफ मुकदमे दायर हो गए। सर, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये भी बात है कि पार्टी की कही जा रही है कि मजबूरी है, आप लंबे समय तक पार्टी से जुड़े रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, तो वाकई सर जनता भी एक बात सोच रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा एक व्यक्ति जो सार्वजनिक मंच से एक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को, विनेश फोगाट को कहता है कि वो मंथरा है, तो अगर हम त्रेता युग की बात करें तो अगर वो उनको मंथरा के आचरण में ढाल रहे तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को राम कह रहे हैं। तो ये जो सार्वजनिक मंच भी एक तरीके से राजनीति ही उपलब्ध करा। देखिए, मैं
ब्रजभूषण पे कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहता, वो उचित नहीं है मेरा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस मामले में सरकार को जितनी जल्दी निपटा दें चीज़ों को उतना अच्छा रहेगा। कल देश के लोकतांत्रिक अध्याय में, इतिहास में दो पन्ने जुड़े सर, एक नई संसद और एक किलोमीटर बाद, जैसा आपने कहा कि जंतर मंतर पे भी एक विचलित करने वाली तस्वीरें देश ने देखी। अब लोगों का एक आरोप है, एक पक्ष का है कि यौन शोषण हुआ, दूसरे पक्ष का एक अपना आरोप है, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो आंदोलन है इसको जन समर्थन व्यापक रूप से नहीं मिल पा रहा, संगठन आंदोलन होता जा रहा है कि एक संगठन, जैसे किसान संगठन आ गए, कभी कोई संगठन आ गया, लेकिन जन समर्थन की कमी की वजह से समर्थन इतना ज़बरदस्त मिल रहा है। मैं, मेरे फ़ोन में है, मैं दिखा दूंगा अभी। हम पर 4 दिन पहले, मैं, विनेश और वो लड़का जो है उनके साथ, बजरंग पूनिया, हम लोग गए थे, खटखट पोल है, टोल है जींद में, 50,000 लोगों की पब्लिक मीटिंग थी और हर आदमी एकदम अलाइव और गुस्से में था। जन समर्थन बहुत है इनको, अभी देखेगा, अब इनको अगर नहीं बैठने देंगे तो मुझे लगता है ये राजस्थान में कैंपेन करने कूदेंगी और आप देखेगा किस तरह की पब्लिक मीटिंग्स होती हैं। सर, कल देश की संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम अगर संसद की बात करें, संसद की स्थापना की या संरचना की, तो अनुच्छेद 79(89) ये कहता है कि संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राज्यसभा और राष्ट्रपति, राज्यसभा एक परमानेंट है, राष्ट्रपति, लोकसभा एक टेम्प्ररी सेक्शन है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन ना करवाना, इस बात को आप लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में और लोकतांत्रिक स्वरूप में किस और इशारा कर रहा है कि आगे बहुत गलत है ये। सिर्फ अपनी एक, जिसको कहिए ना, आदमी को अपने से मोहब्बत हो जाती है। पुलिया का भी उद्घाटन मैं करूँगा, अगले दिन ट्रेन का भी उद्घाटन मैं ही करूँगा, पार्लियामेंट का भी उद्घाटन मैं ही करूँगा, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। इस प्रधानमंत्री को इससे ऊपर उठना चाहिए। लोकतंत्र में सर, कल हमने जब उद्घाटन हो रहा था, एक तस्वीर और निकल के आई, 19 दलों ने बायकॉट किया, बहिष्कार किया उद्घाटन समारोह का। प्रश्न सर मेरा ये है आपसे कि आप लंबे समय तक सियासी दौर से गुजरे, 4.5 दशक एक लंबा दौर दिया, कई दल देखे, कई दलों की राजनीति देखी, पक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी रहे। मेरा सवाल ये है सर कि लोकतंत्र एक समावेशी संरचना है, जब विपक्ष इस तरीके से हर बात का बहिष्कार करेगा तो सर आम जनता का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में कम होता चला नहीं जाएगा सर? कि अभी जैसे कोई भी नीति है, कोई पहलकदमी है, तो सरकार से चर्चा करना ज़्यादा जरूरी है या बहिष्कार करके एक शॉर्टकट तरीका अपना लेना बेहतर? सरकार से कहा गया लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, बहिष्कार तो अंतिम कदम था। नेहरू बनने की कवायद है क्या सर पीएम मोदी की? नेहरू तो बहुत बड़े आदमी थे, ये तो उनके घुटने के बराबर भी नहीं है। मलिक के इस खुलासे के बाद यह साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दावे के साथ कहते हैं कि 2024 के चुनाव में वही जीतेंगे, यहां पर तमाम लोगों का वोट बटोरते हुए नजर आएंगे, यहां पर लोकतंत्र को बचाने का काम उन्होंने किया है। लेकिन यह साबित हो जाता है इस खुलासे से कि प्रधानमंत्री कई आरोपों में घिरे हुए हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही जांच बैठनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर अपने आप में माफी मांगते हुए, देश की जनता से माफी मांगते हुए सीधे तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने पद को छोड़ते हुए, अपनी कुर्सी को छोड़ते हुए साफ तौर पर अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आरोप नहीं लगा है, एक सवाल खड़े नहीं किए जा रहे, कई सवालों में वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं और इन सवालों के चलते अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेनकाब हो चुके हैं। ऐसे में जिन पर आरोप लगते हैं और जो यहां पर सवाल या निशान खड़े किए जाते हैं और आरोपों के तहत यहां पर सही साबित होते हैं, ऐसे में यहां पर उनको सीधे तौर पर पद छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यहां पर नियम भी यही है पूरे देश में कि जो भी जिसके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं, जिसके खिलाफ मुकदमा चलता है, तो ऐसे तौर पर यहां पर सीधे तौर पर यहां पर इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी को भी मानहानि केस में फंसाया गया था, ऐसे में बृजभूषण सरन सिंह को बचाने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और जो यहां पर देश को अपमान करने का काम कर रहे हैं, ऐसे में तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई यहां पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जांच होनी चाहिए और उन्हें अब अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी 2024 के चुनाव से पहले। क्या है आपकी राय? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।